नमस्कार सुप्रभात प्रथम खबर सहित मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो क्रिप्टो करेंसी को नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्चस्तरीय बैठक क्रिप्टो करेंसी रु मनी लॉन्ड्रिंग के आतंकी फंडिंग रो विपद उपरे आलोचना प्रस्तुत हेबो दूरदर्शी रणनीति सेपटे आज त्रिपुरा रे पीएम आवास ग्रामीण रो प्रथम किस्ती ट्रांसफर करिवे प्रधानमंत्री थाइलैंड उपकूल में सृष्ट घूर्णिबलय नेला लघुचाप्र रूप आसंता 48 घंटे अवपात होब परिणत 16 दक्षिण ओडिशा रे बढ़िब वर्षा 17 रे गंजाम एवं गजपति रे भारी वर्षार पूर्वानुमान आज 7 जिले में प्रबल वर्षा सेपटे लगाण वर्षा बढ़ाला चाषी चिंता ओडिया पुआ प्रबोध भगत को मिलला देशर सर्वोच्च क्रीड़ा सम्मान मेजर ध्यानचांद खेलरत्न पुरस्कार सम्मानित कले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओडिया हॉकी स्टार वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहिदास अर्जुन पुरस्कार सम्मानित व्यर्थ जीवनी मणिपुर रे शहीद जवान को बलिदान उग्रवादी को निपात पाई बड़ ऑपरेशन आरंभ कला भारतीय सेना भारत म्यांमार सीमार सुरक्षा कड़ाकड़ी दिल्ली सेना मुख्यालय रखा जा स्वतंत्र नजर दिल्ली में वायु प्रदूषण भयंकर स्थिति सुप्रीमकोर्ट निर्देश पर बड़ निष्पत्ति नेले दिल्ली सरकार सोमवार सप्ताहे जाए स्कूल बंद 14-17 नवेम्बर जाए निर्माण कार्य बंद घर काम करे सब सरकारी कर्मचारी तीन वर्षर शिशु को धरी स्वामी को जंगल रे खोजी बुलू स्त्री स्वामी को छाड़ीबा पाई माओवादी को करुछंती आकुल निवेदन छत्तीसगढ़ रो मनखली अंचल महिला को स्वामी अजय रोशन को अपहरण करी नेछंती माओवादी सरी सरी जाउथिबा जीवन रे आशार किरण देखिले असहाय महिला गोड़ घा जो बसवा स्थान घुंची पार नथिले एबे पुणी निज गोड़े ठिया हे महिला गोड़ भल करने आगे आसला संकल्प सेवा संघ आज टी20 विश्वकप्र ट्रॉफी टक्कर टाइटल पाई मुहांमुही हे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिलिब नुआ चैंपियन दल 2015 विश्वकप फाइनाल बदला ने प्रयास कर न्यूजीलैंड आसवा संपूर्ण खबर को क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी फंडिंग तैयार होगा न देवाई एक्शन मोड रे केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी रे निवेश उपरे अधिक रिटर्न नहीं जुब वर्ग को मिथ्या प्रतिश्रुति एवं अर्थ लोभ दे जमी अर्थ बाटमारणा करा न जाए ता उच्चस्तरीय बैठक कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बैठक यहपरी अनियंत्रित बजार को मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फंडिंग रो हत्या होगा जपरी दिजो ना से दिगरे विस्तृत भाव आलोचना होता आई ठोस रणनीति प्रस्तुत क्रिप्टो करेन्सी दुरुपयोग सरकार चिंता प्रकट कर यार मुकबिला उपाय विषय आलोचना कर बैठक में लोभन विज्ञापन जरिया युववर्ग भ्रमित करने उद्यम को रोकवाप आलोचना होस केन्द्र सरकार ए दिगरे मध्य अवगत अच्छा जे यह एक विकसित कौशल तेणु यह कड़ा नजर रखा सक्रिय पदक्षेप ग्रहण सहमति प्रकाश पाई जे सरकार द्वारा यह ग्रहण करने को जाउथिबा पदक्षेप प्रगतिशील एवं दूरदर्शी हेबो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरार 1,47,000 अधिक हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रथम किस्ती ट्रांसफर करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया कार्यक्रम में सामिल हो त्रिपुरार 1.47 लाख अधिक हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाईजी
प्रथम किस्ती ट्रांसफर करेंगे। ए अवसर में हिताधिकारी बैंक आकाउंट में 700 कोटी अधिक टंका सीधासलख जमा। प्रधानमंत्री हस्तक्षेप पर त्रिपुरार अन्य जलवायु स्थिति को दृष्टि रखी राज्यपाई कच्चा घर संख्या विशेष भाव परिवर्तन करा जाफल कच्चा घरे रहुथिबा बहु संख्यक हिताधिकारी पक्का घर निर्माण पर सहायता पाइबा को सक्षम कर। तो यही माना जाता था कि ये सब समृद्ध परिवार, पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता तथा ओडिया पुओ प्रमोद भगत देशर सर्वोच्च क्रीड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार सम्मानित होती। राष्ट्रपति भवन में अनुष्ठित एक स्वतंत्र समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरस्कार प्रदान करते खेलरत्न सम्मान में सम्मानित होबारे प्रमोद भगत होती प्रथम ओडिया। प्रमोद व्यतीत चलित बर्ष दुई ओडिया हॉकी खिलाड़ी वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहिदास को प्रदान अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लाक्रा और रोहिदास पुरस्कार ग्रहण कर चलित बर्ष प्रमोद भगत मोट 12 जन को खेल रत्न सम्मान ने सम्मानित करा विभिन्न क्रीड़े उल्लेखनीय अवदान पाई वीरेन्द्र और अमित व्यतीत मोट 35 जन को चलित बर्ष अर्जुन पुरस्कार मिली। प्रथम ओडिया भावे खेलरत्न पुरस्कार पाइला आम सहित अच्छा प्रमोद भगत जहाँ को नहीं राज्य गर्व करे जो पारा ओलंपिक रही गोल्ड मेडल आनी भारत तेज निश्चित भाव सुनाम अर्जन करा पुओ सीधा सड़क सहित आलोचना करवा कंग्राचुलेसन पुणी थे प्रमोद पुरस्कार पाइला मनरे कौन भावना आस प्रथम प्रतिक्रिया कौन रखे। बहुत खुशी कि आज आम ओडापी किसी करी ए गर्वटा नहीं कि मुझा को जीवी जोड़ा कि प्रथम ओडिया भावे मुई खेलरत्न नहीं कि आम ओडा को जीवी आई बहुत खुशी आवार्डटा आगामी आसीबा यंगस्टर मान को बहुत मोटिवेट कर से मैंने केमती मोटिवेट हे आग को जा एमती अवार्ड आमती मेडल्स नहीं कि आम ओडा को फेरबे आम ओडार गर्व गौरव को आगे ने निश्चित भाव जो मैंने दिव्यांग रही से मनरे अनेक भावना सब जाग्रत हुए जो आम खेली पारू कि ना आम करूँ कि ना कि आपड़ गोटे समस्त बड़ एग्जांपल हे जो प्रधानमंत्री जो आपको लास्ट टाइम भेटी थे बहुत प्रशंसा करते मुख्यमंत्री प्रशंसा करते गोटे एग्जांपल से कौन दीप कथा रखें। निश्चय आम प्यारा एथलीट अलरेडी से बहुत ही एक्टिव अच्छा मुझुच कि मोर अचिवमेंटा मोटिवेट कर से माने मध्य बहुत एग्रेसिव रे प्राक्टिस कर चलते कठिन परिश्रम कर आगामी दिन आसवे मध्य आप देखिपारे बहुत गुड़ा मेडल आसो आई खेल रत्न ओलंपिक गोल्ड मेडल यंगस्टर मान को नॉर्मल यंगस्टर मान को भी मोटिवेट कर आगामी दिन से माने मध्य आम ओडापी गर्व गौड़ आने से मो आशा उपाय कि ओडा मेजर ध्यानचंद अवार्ड आपको डिक्लेरेशन है आज जो मोमेंट जो मोमेंट पाइले से मोमेंट के मुहूर्तपूर्ण थी आप गोटे नोमेसन होगा आप जानवाप सियोर होगा मिलवा से मध्यरे गोटे गोटे खुशी स्लोली स्लोली गोटे एक्साइटमेंट बढ़ी था एक्साइटमेंट थे जो मत मिलला मुझे बहुत खुशी हेली कि फाइनली जो माइलस्टोन थी मुझे क्रॉस नहीं पारि आई बहुत खुशी एम ओडार लोक बहुत सहयोग अच्छी सरकार केन्द्र सरकार मध्य बहुत सहयोग कले जद्वारा कि माइलस्टोन को सहजरे हासिल कर पारि। आगामी दिन में प्रमोद लक्ष्य कौन रही है। आगामी दिन में मो लक्ष्य रही थी कहीं ओडा अलरेडी स्पोर्ट्स जनाशुना आ मु आशा करुच कि मो द्वारा ओडिशा आउ स्पोर्ट्स जनाशुना हो सारा विश्व ओडिशार जो ख्याति लहरू आटा मो आशा जदि कहीं पारा ओलंपियन चाहिए बा जो पारा खिलाड़ी चाहिए प्रमोद किसी साहय पाइबापी मोराल सपोर्ट हो बा ट्रेनिंग हो प्रमोद आगे आसवे तो निश्चय आम ऑलरेडी आम करुचु एवं एमती नुहे कि आम करूँ बहुत गुड़ा अच्छी जो कि जो मो कोच श्री प्रसाद दास से ऑलरेडी से विषय चिंता करते कोविड पे रही जाता किसी हो पारानी आम जो प्लानिंग थी और ना आम बहुत गुड़ा प्लानिंग कर ट्रेनिंग ट्रेनिंग रो एक्सरसाइज और समथिंग प्रशिक्षण करें
ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏ କୋଭିଡ଼ ଟିକେ ଏବେ ତ ଥମିଗଲାଣି, ବୋଧେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରାଆଥଲିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଆଣିବାର ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବେହାଲ ସ୍ଥିତି, ତେବେ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଆସିବନି ସୁଧାର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଲଘୁଚାପ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳମୁହାଁ ଛୁଇଁବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 16 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। 17ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ଭାରି ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଛି, ଯାହା ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ାମାଡ଼ ଭଳି। 19 ଓ 20 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ସେପଟେ ଆଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଧାନଠାରୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେବା। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଇଏ ଲଘୁଚାପ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କ'ଣ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କ'ଣ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାବଦରେ ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରିବ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଗତକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନ ଧରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଭିଜା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ 137.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 33 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଇଏ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଏବଂ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲଘୁଚାପ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଏହା ଗତି କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 17-18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 16-17-18 3 ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏହାର ପରିମାଣ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ 40 କିଲୋମିଟରରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ SRC ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନିବେଦିତା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଆଗରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେ ଖରିଫ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇଏ ଲଘୁଚାପ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଆଣିଛି, ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଉପରେ ଲାତ ମାରିଛି ଲଘୁଚାପ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ, ସେ ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପରୁ ରହିଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି
যে গঞ্জাম গজপতি অধিক প্রভাবিত হয়েছে। কালি যা ঘটনা আমি দেখুলে যা খবর আসুলা যে গঞ্জাম গজপতি অধিক লোক প্রভাবিত হয়েছেন, তলিয়া অঞ্চলের বর্তমান পর্যন্ত পানি রয়েছে এবং ঘরে বিভিন্ন জেলা মানকরে যে লোক মানে রয়েছেন সেমানক ঘরে পানি পশিছে। তো ইয়ে যে লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে তা 18 তারিখ পর্যন্ত জারি রহব এবং 18 পরে আশা করা যাই পারে এই লঘুচাপ ধীরে ধীরে কমিব এবং বর্ষার পরিমাণ মধ্য কমিব। নিবেদিতা, ওকে, 18 তারিখ পরে বর্ষার পরিমাণ কমিব কিন্তু 18 তারিখ পর্যন্ত নিস্তার না, গোটিয়ে পরে গোটিয়ে লঘুচাপ সৃষ্টি হব এবং বিশেষ করে দক্ষিণ ওড়িশা অধিক প্রভাবিত হব এবং গঞ্জাম গজপতির ভারী বর্ষার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে, যা দৃষ্টি রাখি পানিপাগ বিশেষজ্ঞ এনে পরামর্শ দিয়েছেন, সচেতন করাইছেন, মৎস্যজীবী সমুদ্র মধ্যক ন যাওয়া পাই বারণ করা যাইছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ স্বপ্নাঞ্জলি মহান্তি, ভুবনেশ্বর প্রতিনিধি আমাকে পানিপাগ সম্পর্কিত অপডেট দৌথিলে। ମଣିପୁରରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି। ମଣିପୁର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପିଏଲ୍ଏ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପିଏଲ୍ଏ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଯେପରି ସୀମା ସେପଟକୁ ଖସି ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିପାତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ଥିବାବେଳେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ 46 ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ବିପ୍ଳବ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମଣିପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆକ୍ରମଣ, ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ର କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ସହ 4 ଯବାନ ଶହୀଦ, ଆଖି ବୁଝିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ, ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମିର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଘଟଣାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ଶନିବାର ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମଣିପୁର ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି 46 ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଅନ୍ୟ 4 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11 ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ସେଠାରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଘାତକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମଣିପୁର ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଥିବା ଏକ ଫରୱାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ତଦାରଖରେ ଯାଇ ନିଜ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଫେରୁଥିଲେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବ ତ୍ରିପାଠୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ। ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଯବାନ। ସାଥିରେ ଥିବା ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ। ଆତଙ୍କୀ ହାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା ସହ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଦୁଇପଟରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିପୁଲ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ବା ପିଏଲ୍ଏର ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। I have learned that some militant terrorist group have ambushed and killed one of my friends officer along with his family, and it is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles, so this type of act is strongly condemned, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered, will definitely be done. ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସାହସ ଯବାନ ଏବଂ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂ, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଡିଜି ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। दिल्ली में वायु प्रदूषण को भयंकर स्थिति प्रदूषण जो दिल्ली में परिस्थिति खराब हो चली वायुर मान एत खराब हो पड़ी जे जीवन जापन असंभव हो पड़ा या नजर रखी दिल्ली सरकार बड़ पदक्षेप नहीं दिल्ली में सप्ताह जाए स्कूल बंद घोषणा कर सोमवार सप्ताह जाए स्कूल बंद करने को निर्देश दि जाए यह व्यतीत दिल्ली में 14-17 नवंबर पर्यंत निर्माण कार्य बंद करने को निर्देश देते केजरीवाल सरकार से भली सब सरकारी ऑफिस गोटे सप्ताह पर 100% क्षमतार कर्मचारी को नहीं घर काम करेंगे या पूर्व सुप्रीम कोर्ट उभय केन्द्र और राज्य सरकार को यथाशीघ्र कौन पदक्षेप ग्रहण करने को निर्देश देते तेज एपरिक दिल्ली में लॉकडाउन भली कटकणा लगवा उपरे विचार करने को सुप्रीम कोर्ट कहते नुआदिल्ली प्रतिनिधि गगन बेसवाल आम सहित फोनलाइन जोगे जोड़ गगन दिल्लीर स्थिति वर्तमान भयंकर एवं जितेबले आम विशेषकर शीत दिन आसे स्थिति उपजे आम समस्ते जानते किंतु जो स्थिति वर्तमान दिल्ली में लग रही एने सरकार कौन पदक्षेप नहीं दिल्ली सरकार देखते निश्चित भाव लगातार भाव देखिए गोटे सप्ताह एक देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रोचे 500 उपरे रोचे तेणु से गत काली माननीय सुप्रीम कोर्ट रे जो मैटर टी सीधा सड़क जे रही प्रधान विचारपति एन वी रमन्ना केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार को सीधा सड़क 3-4 गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारे जार उत्तर सेमान लिखित भाव में जन कही कहीं सीधा सड़क तुषार मेहटा कथा कहतु बा दिल्ली सरकार उकल कथा कहतु से पाखे उत्तर ही नाला सीधा सड़क मान्यवर कोर्ट प्रश्न पचारंत गुरुत्वपूर्ण बैठक होती कि ना कौन स्टेप मेजर स्टेप नि जदि स्टेप न निले सीधा सड़क दुई दिन लॉकडाउन कर दि जाऊ दिल्ली को तेणु ये प्रश्नवाण से कौटना कौटि उभय केन्द्र और राज्य सरकार घायला होते तुरंत जो रही दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकी देखिए शुणाणी मात्र 3-4 घंटा पर ही से गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिले कथ हूँ मान्यवर सुप्रीमकोर्ट जो भाई ढंग से जो तात्सल्य कले हूं तार गोटे प्रतिफलन देखा मिलला और संध्या 5 से गुरुत्वपूर्ण बैठक पर निष्पत्ति जो समस्त जो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को जो ऑफिस रही गोटे सप्ताह वर्तमान वर्क फ्रॉम होम जरिया कार्य जारी रख या फल कौन हम ना गोटे ट्राफिक मूवमेंट दिल्ली में बंद हम ट्राफिक रो हजार हजार संख्यार जो ऑफिसर माने आसुचंती ऑफिस हुए तो टिके व्हीकुलर मूवमेंट कम रहा या सहित दिल्ली सरकार अधीन कंस्ट्रक्शन वर्क जो जारी रही बर्तमान बंद कर दिया जीव जो भी कार्य जारी रख तार सीधा साल प्रोटोकल को मेंटेन करा जीवो सेठी जो पानी स्प्रे करा जीवो ऊपर पानी स्प्रे करा जीवो आमे देखिछु पूर्व पूर्व मध्ये अनेक समय रे पानी स्प्रे करा होची एवं आउ गुटे कथा जगता निवेदित आमे मध्ये पूर्व आलोचना करथिले बारंबार जो किसान को दायी करा जाउची पराली जळिया पई से कथा को मध्ये माननीय कोर्ट कहिथिले जे गुडे फैशन रे परिवर्तन होई सरकार कथा हूँ बा साधारण लोक कथा हूँ जे चाषी मैंने ही एथपाई दायी बोली कहीं देखिए चाषी मैंने आज पराली जालुना चाषी मैंने बहु वर्ष धरी पराली जालुंट कि दिल्ली रो प्रदूषण मात्रा बढ़ुच्छे केवल ता नुहे केवल चाषी मानक दायी करवा उचित नुहे मान्यवर कोर्ट कहते तो निश्चित भाव ये कथ को दृष्टि रखी जो बर्तमान दिल्ली सरकार जो निष्पत्ति नहीं तो ये के सहायक हो प्रदूषण को रोकवाई कहीं पूर्व आम अलरेडी देखीचु जितेबाला दिल्ली में प्रदूषण हुए ऑड इवन सिस्टम लागू करा जाए जुग्म जुग्म सिस्टम रे गाड़ी चालन करा जाए कहीं दिल्ली में देखिए व्हीकुलर मूवमेंट बहुत रोचे कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रही अंपटे जो वायु प्रवाह होना सीटा कि मुक्त कारण किंतु गत काली देखाला संध्या समय रे हल्का हल्का पवन चलुला जहाँ भारतीय पाणीपाग विभाग कहले जो वायु प्रवाह बर्तमान आसब दिने दु दिन भितर जार गोटे प्रतिफलन आज देखा मिली जहाँ आश्वस्तिकर हो निवेदिता बर्तमान जहाँ एक रही 500 तौक खसी बर्तमान 450-350 ढंग से अनेक जगार बर्तमान जहाँ सका लाटेस्ट आसूची बर्तमान टिके चेंजेस पाग
ओके सामान्य आश्वस्ति मिली दिल्लीवासी को पाग टिके परिवर्तन होइछे जोतिपाई वायु प्रदूषण को दृष्टि रखी स्कूल बंद एवं वर्क फ्रॉम होम करबा को दिल्ली सरकार निर्देश देछंती। बहुत बहुत धन्यवाद नुआ दिल्ली प्रतिनिधि गगन बिश्वाल आम सहित ए बाबत रे सविशेष आलोचना करथले। तीन वर्षर शिशु को धरी स्वामी को जंगल में खोजी बुलुची स्त्री। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर जिलार मनखले अंचल में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजन होता रास्ता निर्माण समय दुई जन को अपहरण करते माओवादी से जड़े इंजीनियर थी बेले जड़े सहयोगी थे तेज इंजीनियर साथी को माओवादी मैंने छाड़ता बेले आज भी इंजीनियर अजय रशन लाकड़ा माओवादी कब्जा में रही तेज स्वामी को छाड़ापी माओवादी को आकुल अनुरोध करिछंती पत्नी एथस निजर तीन वर्ष शिशु को धरी स्वामी को खोजापी जंगल जंगल बुलुंती स्त्री। दो से तीन दिन हो गया है और वो 11 तारीख को सुबह ऑफिस के लिए निकले थे, फिर ऑफिस के बाद उनका मैं फ़ोन लगाई एक बार 1 बजे, तो 1 बजे से उनका फ़ोन बंद आ रहा था कि मेरे हस्बैंड दोस्त हैं वो सीधे साधे इंसान हैं उनको छोड़ दें क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और उनके अलावा मेरा कोई नहीं है और परिवार में भी कोई नहीं है, उनकी माता भी बुजुर्ग हैं और मतलब बस वही उनका सहारा है कि तो अब हम लोग के परिवार के लिए उनको छोड़ दें, मैं यही उनसे अपील करूँगी। एवं आसवा खेल खबर को आज चलित T20 विश्वकप्र ट्रफी टक्कर टाइटल पाई मुहांमुही एवं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिलिब नुआ चैंपियन दल। आज संध्या 7:30 रे दुबई अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम रे ए मैच खेल गोटे पटे प्रथम थर पर T20 विश्वकप फाइनाल रे प्रवेश करितबा न्यूजीलैंड रही बेले अन्यपटे रही ऑस्ट्रेलिया। शेष थर पर 2010 रे T20 विश्वकप फाइनाल रे प्रवेश करितला ऑस्ट्रेलिया किंतु विजयी हेबारु वंचित होइतला। चलित वर्ष उभय टीम T20 विश्वकप यात्रा चमत्कार रही दुवे सेमिफाइनाल चमत्कार प्रदर्शन कर फाइनाल रे प्रवेश कर T20 विश्वकप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया थरे मुहांमुही होता बेले विजय न्यूजीलैंड हाथ में लगी। उभय दल 2015 आईसीसी दिनिकिया विश्वकप फाइनाल रे लड़ई करते जो ऑस्ट्रेलिया विजयी होता 2015 पर आईसीसी इवेंटर फाइनाल रे आज पुणी थे दुई दल मुहांमुही हे। न्यूजीलैंड 2015 फाइनाल रो प्रतिशोध ने प्रयास कर। समय सारी बुलेटिन को सारी मत विदा दिंतु, नमस्कार।